उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 4,496 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 188 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 78,802 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 287,286 के पार पहुंच गई है। वहीं बात करें जिलों की तो देहरादून जिले में सर्वाधिक 1,248, हरिद्वार में 572, उद्धम सिंह नगर में 393, नैनीताल में 117, टिहरी में 498, पौड़ी में 391, रुद्रप्रयाग में 356, अल्मोड़ा में 65, उत्तरकाशी में 351, पिथौरागढ़ में 100, चमोली में 211, चंपावत में 41 और बागेश्वर जिले में 153 कोरोना संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश का हाल यह है कि शमशान घाट में भी दाह संस्कार के लिए जगह की कमी पड़ रही है। मजबूरी में लोग गंगा तट से बिल्कुल सटाकर खुले में कोविड शवों का दाह संस्कार कर रहे हैं। हेमकुंड फाउंडेशन ने उत्तराखंड सरकार को 55 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 54 ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपी किट व अन्य सामग्री भेंट कर कोरोना मरीजों को राहत देने की पहल की है। भेंट किए गए इस सामान को पहले चरण में चमोली व उत्तरकाशी भेजा जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई है। वहीं एम्स में भर्ती उत्तराखंड के 12 और यूपी के 5 कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण मिला है। सबसे अधिक 5 संक्रमित हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में वैक्सीन न होने के कारण रविवार को 201 केंद्रों पर टीके लगाने का कार्य बंद रहा। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सिर्फ 71,870 वैक्सीन और 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 1,75,420 वैक्सीन की डोज ही बची है। पिथौरागढ़ कनाली छीना के ग्राम पंचायत खवा कोट में एक साथ 44 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने पर हड़कंप मच गया है। आनंद फानम में प्रशासन ने मेडिकल टीम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग को भेजकर गांव में सैनिटाइजेशन करवाया और कोरोना पॉजिटिव परिवारों को कोरोना किट वितरित किया। साथ ही जिला प्रशासन ने गाँव को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया है। पिथौरागढ़ कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन, सेना, आईटीबीपी और एसएसपी की ओर से आपसी समन्वय और उचित मेडिकल व्यवस्था के संबंध में बैठक हुई। इसी दौरान आईटीबीपी और एसएसपी ने कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। कोरोना संक्रमित 90 वर्षीय हरिप्रिया पंत ने कोरोना को मात दी है। माता के जल्द स्वस्थ होने में बड़े बेटे प्रकाश ने अहम भूमिका निभाई। संक्रमण की परवाह किए बिना वार्ड में रहकर मां को दवा से लेकर खाना तक खिलाया। वे जिला चिकित्सालय से स्वस्थ होकर घर लौट आई हैं। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए।